गिलगित और गिजर सिकंदू, ये मेन तीन बड़े हब्स हैं जहाँ पे मंशियात का ओवरऑल पूरे जीबी में इस्तेमाल होता होगा। और ये तीन इलाकों में बहुत ज़्यादा, आप समझें कि ये बड़ा अलार्मिंग है। तो इस पे इंशाल्लाह, एक तो ये है कि मैं आपसे इस पूरे हाउस से मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि इस पे इंतहाई हम एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे और जो भी हम उस पे जो तजावीज़ आएंगी इसकी रोकथाम के हवाले से गवर्नमेंट लेवल पे, उस पे हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेगी। साथ साथ नाजी साहब ने बहुत खूबसूरत बात की, ये सिर्फ हुकूमत का, खैर हुकूमत की तो जिम्मेदारी है, हुकूमत माँ होती है, साथ साथ सिविल सोसाइटी के जो जिम्मेदारान हैं और प्लस जो हमारी मजहबी शख्सियात हैं उनका भी बड़ा रोल इस पर हो सकता है। और स्पेशली जुमे के खुतबात में और वैसे किसी भी मजहबी एक्टिविटी के अंदर अगर वो मेंबर रसूल से इस हवाले से अगर लोगों को थोड़ा सा बावर करें कि इसके क्या नुकसान हैं और इससे सोसाइटी के अंदर या हमारे माशरे के अंदर क्या कुछ तबाहकारियाँ हो सकती हैं। गिलगित के अंदर ये वाकई अलार्मिंग है, पिछले कुछ महीनों का 40 मुकदमात गिलगित में दर्ज हुए, यही चरस और शराब और इस मंशियात के हवाले से 40। और चार जगहों पे गिलगित में पिछले 1.5-2 माह से चार जगह ऐसी हैं जहाँ पे इजाफी नफरी के साथ वहाँ पे इसकी चेकिंग की जाती है। एक ये जुटियाल बस अड्डे, दूसरा सकवार है, तीसरा शरोट है आगे, और रहीम आबाद नहीं, जो पॉइंट्स भारत, ये जो जगह यहाँ पे हमने इजाफी नफरी तैनात की है। और पिछले दिनों इसमें जुटियाल के आसपास भी फिर मशरूम गाड़ी थी, फिर ये तो असम्बली फ्लोर में शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इस पे गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश में है जिसकी रोकथाम की जाए। और इस पे तमाम थानेजात, सिक्योरिटी ब्रांच और पुलिस स्पेशल इस पे बिल्कुल भी एक्टिव है, लेकिन चूंकि ये पूरा माफिया है, इसको रोकने में और इस माफिया और इस गैंग को तोड़ने में शायद हमें हर असम्बली मेंबर की इस पे मशवरा भी चाहिए होगा, अपने अपने हलकों के अंदर आपका ताउन भी चाहिए होगा। अस्तौर में पिछले कुछ 4-5 महीने पहले मुझे दोनों मसाजिदों से, मुझे सैयद आशिक हुसैन साहब और कारी गुलजार साहब ने भी, उन्होंने जुमे के खुतबात में इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट किया। मैं खुद समझता था कि स्टोर के अंदर शायद इतना कुछ मंशियात का वो नहीं होगा, लेकिन वो जो फिगर्स सामने आ रहे थे वो वाकई बड़े तवज्जो के काबिल भी थे, और उस पर हमें भरपूर अपना किरदार भी अदा करना चाहिए था। तो उनसे भी हमने मीटिंग की, उनका भी भरपूर उस पर रोल रहा है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी ये मालूम इकट्ठी करके हाउस के सामने फिर से रख लूँगा। दूसरा जो गिजर साइड से थी वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग थी नाजी साहब, चूँकि आपका डिस्ट्रिक्ट भी है, आपका हल्का भी वहाँ से है। गागूज में सर पिछले कुछ महीनों के अंदर सिर्फ गागूज में 14 FIR हैं, 14 केसेस गागूज थाने में रजिस्टर्ड हैं। उसकी जो क्वांटिटी है मंशियात की वो मैं यहाँ पे आपके सामने, मेरे सामने फिगर है, मैं अनऑफिशियल फिर आपको बता देता हूँ। सिंगल में 4 थे सर, चटोरखंड में 4 केसेस रजिस्टर हुए पिछले 1-1.5 महीने में, हिम्मत में 1 हुआ, फंडर में 1 हुआ, यासीन में 9, टोटल 34 केसेस 1-1.5 महीने में गिलगित में रजिस्टर्ड हुए। ये बहुत अलार्मिंग है, और ये वो लोग हैं जो आप समझें इसके सप्लायर हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो चरस या शराब पीते हुए गिरफ्तार, ये वो लोग हैं जो आप समझें इसके डीलर्स हैं, उनके ऊपर जो हाथ डाला गया तो 34 हैं। और आइस की बात की थी नाजी साहब ने, बिल्कुल भी आइस तकरीबन 2 ग्राम के करीब आइस सिर्फ गिदड़ से बरामद हुई थी। और ये सबसे ख़तरनाक तरीन चीज़ है जो अक्सर हम देखते हैं डाउन में, यूनिवर्सिटीज़ में और स्पेशली कॉलेज में, आजकल चरस शराब तो बहुत छोटी चीज़ उनको नज़र आती है, आइस का जो इस्तेमाल करते हैं उसके बाद तो शायद जो भी बच्चा हो, बच्ची हो या जो भी मर्द हो, वो फिर किसी काम का नहीं रहता, वो सोसाइटी के लिए अज़ाब बन जाता है। और इसके हवाले से भी गिजर के अंदर बहुत बड़ी एक क्वान्टिटी यहाँ पर मुझे क्योंकि डिपार्टमेंट से जो मैंने ब्रीफिंग दी तो उस पर थी, वो मैं बाद में नाजी साहब आपको स्पेशली बता दूँगा। साथ साथ गिजर में शराब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, वाइन का बहुत, शायद आपकी सोच होगी अगर मैं फिगर आपके सामने रखूँ। और इस वक्त डिस्ट्रिक्ट गिजर के अंदर 36 बंदे अरेस्ट हैं, 36 बंदे सिर्फ मंशियात के हवाले से। तो मैं इस इंतहाई अहम इशू के ऊपर मैं चाहूँगा कि 14 अगस्त चूँकि आगे 1-2 दिन की छुट्टियाँ हैं, उसके फ़ौरन बाद उस पर होम डिपार्टमेंट कंसर्न जितने इसके कमिश्नर, DIG, होम सेक्रेटरी, IG, बिल्कुल हम एक इसके ऊपर आला सती इजलास भी करेंगे और इस पर कुछ हम
डायरेक्टिव भी ज़ाती तौर पर हम इस पर निकाल देंगे ताकि इस बुराई को हम कोशिश करें कि गिलगित बल्तिस्तान से इस नासूर को हम ख़त्म करने की पूरी कोशिश करें। मैं एक दफ़ा फिर अपने दोस्तों